अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ले जी हाज़िर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि एक हाउसवाइफ की लाइफ जो है ना वो सिंपल लाइफ किस तरह से होती है। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे सुबह का टाइम था। अभी जो है ना मैंने बेडशीट चेंज नहीं करनी थी, बेडशीट तो मैंने वहीं बिछानी थी, लेकिन ये मैट्रेस कवर मैंने धुलवाया हुआ था दो दिन से ना, और मैं बिछा ही नहीं पा रही थी। अच्छा, जिसके घर में बच्चे हैं ना, तो फिर मेरा मशवरा यही है कि आप लोग ना मैट्रेस का ये कवर ज़रूर अपने बेड पर यूज़ करें, क्योंकि बच्चे कभी भी कुछ भी गिरा देते हैं ना, तो फिर मैट्रेस अच्छा खासा ख़राब हो जाता है। चाहे किसी को नज़र ना आ रहा हो, लेकिन हमारे दिल को पता तो होता है ना कि एक चीज़ जो है वो ख़राब हो गई है। तो इसलिए कवर ना लाइफ सेविंग है, आप लोग ज़रूर इसको ना, मतलब एक दफ़ा ही बाय करना होता है। बस इसका यही होता है कि आप लोग इसे वॉशिंग मशीन में जो है वो वॉश ना करें, इसको हाथ पे ही वॉश करवा लें या कर लें ना, तो फिर ये बिल्कुल ही ठीक रह जाता है, सालों साल चल जाता है। अच्छा, दुनिया की सारी बातें तो ये चलती रहेंगी। अभी ना स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा आप लोगों का। अच्छा, अगर आप लोगों के घर में छोटे बड़े किसी को भी कुरान पाक की तफसीर पढ़नी है, अच्छे तरीके से इसको समझना है ना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुरान क्लासेस देती हैं, तो एक बार ना मुझ पर ट्रस्ट करके एक दफ़ा इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है ना सुबह का टाइम था। अब बेडशीट वगैरह तो मैंने चेंज कर ली हुई थी, उसके बाद मुस्तफ़ा को मैं फ़्रेश वगैरह करा देती हूँ, इसको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। अच्छा, मुस्तफ़ा को ब्रेकफास्ट कराने के बाद ना इसके साथ मेरा यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा प्ले टाइम होता है। इसको ना इस टाइम होता है कि बस मेरे साथ ना खेल लो, तो मैं भी अपने सारे काम छोड़ के ना बस इसके साथ जो है थोड़ा सा इसको मतलब प्ले टाइम दे देती हूँ, ताकि ये भी फ्रेश हो जाए और मुझे ना बाकी के सारे काम जो है आराम से करने देना। बच्चे को भी ज़रूरत होती है ना, जाहिर सी बात है, हम सारा टाइम अपनी रूटीन तो उसके ऊपर जो है ना वो मुसल्लत नहीं कर सकते ना, मतलब उसके साथ भी हमें चलना ही पड़ता है। आज मैंने सोचा मुस्तफ़ा को थोड़ा जल्दी नहला देती हूँ। इसके यहाँ पे मैंने कपड़े भी निकाल लिए थे, लेकिन फिर मैंने ना सोचा नहीं, बड़ी मुश्किल से ना इसकी मैं रूटीन सेट करती हूँ, फिर अगर आगे पीछे कर लूँ ना मैं टाइम, तो फिर दो तीन दिन तो ये मुझे फिर तंग ही करता रहता है। मैं बस इसको एक टाइम सुलाती हूँ ना, सोने से पहले दिन में जब ये नैप लेता है उससे पहले इसको सुला देती हूँ। उसके बाद ना मैंने जब मुस्तफ़ा की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसमें इन टैबलेट्स के बारे में मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। ये बायोजेन 21 टैबलेट्स हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कहीं से इजीली मिल जाएंगे मेडिकल स्टोर से। आप लोग 6 मंथ के बाद बच्चे को दे सकते हैं एक टैबलेट डेली, और 1 साल के बाद इसके ऊपर जैसे ही लिखा होता है ना आप बिल्कुल उसी को पढ़ के ही दे दीजिएगा। ज़्यादा तफसील, अब ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बता रही, लेकिन बहुत अच्छी हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं बेबी टीथिंग के लिए ना, आप लोग ज़रूर यूज़ करें। मैंने बीच में छोड़ दी थी और एक कमेंट पढ़ने के बाद ही मैं दोबारा इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बच्चा इतना बेचारा डिस्टर्ब होता है ना टीथिंग फेज़ में, माँ फिर अलग डिस्टर्ब हो रही होती है, तो बहुत बहुत मतलब सुकून देती हैं बच्चे को, एक रूटीन सेट कर देती हैं ना उसकी, मतलब बहुत सारी जो सिम्टम्स होते हैं ना टीथिंग प्रोसेस में, तो उससे भी बच्चे को काफ़ी बचाती रहती हैं। अभी मैं यहाँ पे सालन बनाने के लिए आई तो ऑयल ख़त्म हुआ पड़ा था बोतल में, तो फिर मैंने इसको पहले रिफ़िल किया, और आज जो है ना सिंपल चिकन का मैं सालन बनाने लगी हूँ। सिंपल जो हमारे घरों में बन रहा होता है ना चिकन का सालन, बस वहीं बना रही हूँ। और आज जो है मेरी छोटी पुप्पो का ऑपरेशन हुआ है, तो उनकी तरफ भी जाना था और सालन भी लेके जाना था। जाहिर सी बात है वो ही सारी मतलब अपने घर को संभालती है ना, तो पुप्पो ने बोला कि चिकन बना लो, ले भी चलते हैं और थोड़ी देर के लिए चलते हैं, मिल के भी आ जाते हैं ना। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से बाकी सारे काम छोड़ के ना अभी मैंने सोचा सबसे पहले सालन ही बना लेती हूँ, ताकि फिर जल्दी बंदा होके आ जाए। दिन में इतनी कोई गर्मी हो जाती है ना बच्चे के साथ, तो बंदा निकले ही ना इस गर्मी में। हम लोग फिर भी निकलते हमें 12:30 बज गए थे, और यकीन करें इतनी कोई गर्मी थी ना घर में, हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन जैसे इंसान बाहर निकलता है तो पता चलता है कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। खैर, यहाँ पे जो है ये प्याज टमाटर भी आए, मतलब प्याज भी आए हुए थे, वो तो मैंने रख दिए थे जो सब्ज़ी वाली बास्केट है ना, बाकी ये टमाटर और जो सब्ज़ मिर्च इनको वॉश करके रखने होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब बस किचन में ठहरी हुई हूँ, तो जो भी किचन के काम होते हैं ना, मेरी कोशिश होती है जैसे ही एक दफ़ा आ गई हूँ ना, तो सारे काम ना करके फिर एक ही साथ ही निकलूँ किचन से ना। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना किचन में भी, बस इंसान को होता है जल्दी जल्दी काम करके ना रूम में जाके बैठ जाएं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना। बस अल्लाह ताला ने जिन लोगों को सहूलियात नहीं दी हुई, अल्लाह पाक उन सबको दे
इस गर्मी में पता चलता है लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं इतनी गर्मी में। हमें बस हम जितना भी शुक्र अदा करें ना उतना कम है। अच्छा खैर, अभी फिर मैंने मुस्तफ़ा को यहाँ पे नहला दिया था, दम पे लगा के आ गई थी मैं सालन को। मैंने सोचा चलो जब तक सालन बनता है ना तब तक इसको भी मैं नहला दूँ। आज फिर भी मैंने इसको थोड़ा जल्दी नहलाया है, इससे भी थोड़ा लेट नहलाती हूँ। इसको नहला के फिर मैं फ़ौरन जो है ना वो सुला देती हूँ, लेकिन आज क्योंकि जाना था हमने फिर मैं जल्दी जल्दी मैं इसको भी नहला रही थी। अभी यहाँ पे जो है ना हेल्पर ने सारी ये बोटल्स फिल करके रखी हुई थी पानी की, वो मैं फ्रिज में लगा रही हूँ। ये छोटी फ्रिज ना इन कामों के लिए ही हमारी बड़ी काम आती है ना, बोटल्स रखी होती हैं सारी, वो भी अपने घर ठंडा पानी लेके जाती है, बर्फ़ लेके जाती है ना, तो इसलिए दोनों फ्रिज ही ऑन कर लेते हैं हम लोग ख़ास तौर पर गर्मियों में। उसके बाद दोबारा से किचन में चली गई थी मैं, क्योंकि सालन भी अब तकरीबन जो है ना वो रेडी था। एंड में बस मैंने ना इसमें सब्ज़ मिर्च काट के डाल ली थी, साथ में फिर इसमें मैं काली मिर्च ऐड कर लेती हूँ बिल्कुल एंड में, और गरम मसाला ऐड कर लेती हूँ ना। बस सिंपल सा ही मैं सालन बनाती हूँ, इस तरह कोई मतलब ऐसी कोई रेसिपी नहीं है इसकी। बस हमारे घरों में जैसे बन रहा होता है ना पाकिस्तानी घरों में, उसी तरह ही बनाया हुआ था सालन मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो मुझे इसमें पानी ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैं इसको बॉयल कर रही थी। जब सेट हो गया था ना तो बस फिर फूफो ने जो है ना वो सालन डाल लिया था जो लेके जाना था हमने। उसके बाद इधर मुस्तफ़ा के फीडर में रिफ़िल कर रही थी पानी, मतलब अपने साथ लेके जा रही थी। अगर उसने इधर उधर जाके दूध मांगा ना तो उसको मैं फ़ौरन दे दूँगी ना ये पानी। अभी जो है ना बड़ी बोतल से मैंने इसकी छोटी बोतल में भी शिफ्ट नहीं किया हुआ, इसी से ही डाल रही थी जल्दी जल्दी में। कभी कभी कोई कोई दिन होता है ना हम लोग सारे काम करते जाते होते हैं, तो बस वही दिन था। अभी बोतल इसकी धोने वाली हुई पड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसी में से जो है ना मैं डाल लेती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है और पहली दफ़ा आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलें। खैर, अभी मैं जो हूँ ना सारा अपना बैग पैक कर रही हूँ। वैसे तो कुछ खास होता नहीं है, अगर जब मैं अकेली होती थी ना, मतलब जब मुस्तफ़ा नहीं होता था, कुछ भी नहीं लेके जाती होती थी। एक छोटा सा मैं क्लच ले लेती थी, उसमें मेरा एक मोबाइल ही होता था। लेकिन माशाल्लाह से अब जब मुस्तफ़ा आया है ना तो फिर मुझे बड़ा बैग ही अपने साथ कैरी करना पड़ता है। मतलब उसका उसके फीडर हो गए, उसका एक ड्रेस एक्स्ट्रा मैं रखती होती हूँ चाहे थोड़ी देर के लिए भी कहीं जा रही हूँ, साथ में डायपर और ये दूध का डब्बा हो गया ना। अच्छा, मुझसे ना टिकटॉक पे एक कमेंट आया हुआ था कि आप मुस्तफ़ा को ना कौन सा मिल्क देती हैं। मुस्तफ़ा को शुरू से जो है ना हमने फार्मूला मिल्क दिया हुआ है, मदर फीड भी पे भी होता है वो, लेकिन बहुत कम ना। और उसके साथ साथ ना काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस कराया था इसको, लेकिन ये ना लैक्टोज इंटॉलरेंस है बहुत ज़्यादा ना, इसको एलर्जी हो जाती है अगर इसको, मतलब जिस तरह नॉर्मल जो मिल्क होता है ना उससे भी हो जाती है, मतलब जो नॉर्मल ये फार्मूला मिल्क लेते हैं ना उससे भी हो जाती है इसको, मतलब लूज़ मोशन वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर लैक्टोज फ्री मिल्क दे देती हैं उस दौरान हम लोग, जिस तरह डॉक्टर ने जो भी रेकमेंड किया होता है ना। तो फिर काओ मिल्क तो जब जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया ना, दो बार ही कराया है, तब तब ये बीमार हुआ है ना, तो फिर अभी बिल्कुल भी नहीं दे रहे हम लोग कि तो चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, जब मतलब 2 ईयर्स का इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको इंट्रोड्यूस कराऊँगी। अभी अभी तो बिल्कुल ये वाला जो चांस है ना ये नहीं लेने वाली मैं, क्योंकि पिछले दिनों अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ पहले से देखते हैं ना आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये कितना ज़्यादा बीमार हुआ है ना। और उस बीमारी की एक वजह यही भी है कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अब जिनके बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको इस बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। लैक्टोज बेसिकली एक एंजाइम है जो दूध में होता है ना, जिसको बहुत से बच्चे जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते एक एज तक ना, तो बाद में मैं फिर इसको ना दे दूँगी, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं दे रही। खैर, यहाँ पे कपड़े जो हैं वॉश हो गए थे, ड्राई भी हो गए थे सारे, तो फिर मैंने ना सारे समेट के अपनी अपनी जगह पे रख ली हैं। उसके बाद डायरेक्टली अब जो है मैं यहाँ पे फूफो के घर से भी होके आ गए थे हम लोग, बाद में आके मैं भी सो गई थी, इतनी ज़्यादा कोई गर्मी थी, मुस्तफ़ा को भी सुला दिया था। उसके बाद बस यही मैंने कपड़े ही लपेटे थे और फिर रात का ही टाइम हो गया था। यही रूटीन होती है सारा दिन एक हाउस वाइफ की। उसके बाद अभी बस मुस्तफ़ा को सुला के ना इतनी कोई दबे पाँव मैं निकलती हूँ ना, इसको अगर नींद में भी पता चल जाए ना कि मैं रूम से बाहर जा रही हूँ, ये फ़ौरन से उठ जाता है। इतनी देर जिद्दोजहद करने के बाद, सुलाने के बाद फिर भी ये उठ जाता है ना, तो बड़ी एहतियात से इसको सुलाने के बाद ना मैं रूम से बाहर निकलती हूँ ताकि इसको बिल्कुल भी ना पता ना चले। अभी बस इसके मैं फीडर वॉश कर लूँगी, और ये सारे बर्तन मैंने वॉश करके रखे हुए हैं, ये अभी थोड़े थोड़े गीले थे तो अभी मैं इनको कैबिनेट्स में नहीं लगा रही, सुबह उठ के ना बस फ़ौरन से लगा लेंगे ना। वैसे ज़्यादातर फूफो ही इनको कैबिनेट्स में रख देती हैं, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा मतलब पहले ही उठी हुई होती है, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ मुस्तफ़ा की वजह से। बस यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।